तो भाई देखो मल्टीटास्किंग हर कोई करता है, बट अगर आप लोगों के पास एक ही लैपटॉप है तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इस केस में आप लोग वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हो। सिंपली आपको विंडोज कंट्रोल प्लस डी दबाना है, इससे आपका वर्चुअल डेस्कटॉप खुल जाएगा। आप गेमिंग अलग विंडो में करो, एडिटिंग अलग में करो और ब्राउजर अलग में चलाओ। एंड इस शॉर्टकट में एक और ट्रिक भी है, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हो कि दोनों डेस्कटॉप में सेम बैकग्राउंड है, तो इसमें भी थोड़ा मामला इधर उधर हो सकता है, इसलिए आपको सिंपली इसमें राइट क्लिक करना है। अब आप लोग दूसरे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड भी बदल सकते हो। तो अब आपने काफी सारे डेस्कटॉप ओपन कर लिए, अब इनमें स्विच करना ऐसा तो है नहीं कि बार बार नीचे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे फिर उसको एक एक करके ओपन करोगे। तो इसका भी काफी एक बढ़िया सा शॉर्टकट है, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में विंडोज कंट्रोल प्लस लेफ्ट या फिर राइट एरो की दबानी है, इससे आप लोग अपने डेस्कटॉप में स्विच कर सकते हो। तो ये तो सबको पता है कि ऑल्ट प्लस F4 से विंडोज क्लोज हो जाती है, तो डेस्कटॉप क्लोज करने के लिए आपको विंडोज कंट्रोल प्लस F4 दबाना है, इससे वो डेस्कटॉप ही बंद हो जाएगा। खल्लास। फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए एक्सप्लोरर यस अब हुआ ना, तो फाइल एक्सप्लोरर खोलने तो उसको खोलने के लिए या तो आप इस पे क्लिक करते हो या फिर अपना माई कंप्यूटर ओपन करते हो, बट इसका भी एक शॉर्टकट है, सिंपली विंडोज प्लस ई दबाओ। अब इस विंडो में ही काफी सारे शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि अगर आप लोगों को फाइल एक्सप्लोरर का लेआउट चेंज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ 1 से लेकर 9 तक अगर आप लोग दबाओगे, 9 तक नहीं 8 तक, तो डिफरेंट लेआउट्स आ जाएंगे। एंड पर्सनली मेरा फेवरेट कंट्रोल शिफ्ट प्लस 7 वाला है, आप लोग बताना कि आपको सबसे बढ़िया कौन सा लगा। अब इसके अलावा आप लोगों को फाइल एक्सप्लोरर में कुछ सर्च करना है, माउस से भी हो जाएगा, पर अभी समझो कि आपके पास माउस है ही नहीं, माउस टूट गया, फेंक दिया उसको कहीं, कीबोर्ड है, बस कीबोर्ड से ही जीवन चलाना है दोस्तों आज की वीडियो में। तो अगर आप लोग कंट्रोल प्लस ई दबाते हो तो फाइल एक्सप्लोरर का सर्च सिलेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करो और सर्च कर लो, माउस की जरूरत ही नहीं पड़ी देगा। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मैंने यहाँ पे इमोजीज भी ऐड करी है, तो दोस्तों इमोजी पैनल खोलने के लिए भी एक शॉर्टकट है, अगर आप लोग विंडोज प्लस पीरियड की जो डॉट वाला बटन होता है उसको दबाओगे तो आपका इमोजी का पैनल खुल जाएगा। काफी बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई एक फाइल पड़ी है, हमें उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है या फिर किसी ड्राइव की प्रॉपर्टीज देखनी है, तो उस केस में माउस पे राइट क्लिक करके भी आप लोग देख सकते हो, पर माउस तो हमारे पास है ही नहीं। ऑल्ट प्लस एंटर करोगे तो इससे आपकी प्रॉपर्टीज खुल जाएगी। 2 सेकंड के लिए मान लो आपके पास माउस भी है, डबल क्लिक से फाइल ओपन होती है, बट अगर आप लोग ऑल्ट प्लस डबल क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। ये शॉर्टकट ज्यादातर सबको पता नहीं है, सिर्फ आप लोगों को पता चल रहा है एक्सक्लूसिवली क्योंकि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। क्या कह रहे हो, नहीं किया है, मजा नहीं आया। अब कंट्रोल प्लस W दबाकर आप लोग फाइल एक्सप्लोरर को बंद कर सकते हो, या फिर करंट टैब को बंद करने के लिए भी आप लोग विंडोज कह रहा हूँ कंट्रोल प्लस W का यूज कर सकते हो। एंड बाय चांस अगर गलती से कोई इंपॉर्टेंट ऐप क्लोज कर देते हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस T दबा देना, वापस आ जाएगा। अब मल्टीटास्किंग के लिए कुछ शॉर्टकट बताता हूँ, तो काफी सारे टैब खोल रखे हैं, टैब में स्विच करना है तो आप लोग ऑल्ट प्लस टैब दबाते हो, इससे आप लोग टैब्स को स्विच तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने गलती से कोई दूसरा टैब सेलेक्ट कर लिया और जैसे आप लोग बटन छोड़ोगे वही ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग ऑल्ट कंट्रोल प्लस टैब दबाओगे, बटन को छोड़ भी दोगे तब भी वो विंडो क्लोज नहीं होगी, आप लोग लेफ्ट एरो वाले बटन से यूज कर सकते हो या फिर माउस से, अरे माउस तो है ही नहीं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा फोटोज से रिलेटेड, जैसे आप लोग ऑल्ट प्लस P दबाओगे तो आपकी प्रीव्यू विंडो ओपन हो जाएगी, देन जैसे आप लोग किसी फोटो को सिलेक्ट करोगे तो राइट हैंड साइड में आपको उसका प्रीव्यू मिल जाएगा, इसका साइज भी आप लोग यहां से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अब किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए या तो हम उसके नाम पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम पे जाते हैं, बट अगर आप लोग डायरेक्टली अपने कीबोर्ड में F2 दबाओगे तो आप लोग किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हो। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बताता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है एंड आप लोग डेफिनेटली उसको डेली यूज करोगे लगभग, तो कोई भी आर्टिकल रीड करते वक्त या फिर कुछ भी नॉर्मली सर्व करते वक्त भी कोई एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, सिंपली विंडो शिफ्ट प्लस S दबाने के बाद आपका स्निपेट टूल खुल जाएगा, अब आप लोग किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड लास्ट में आपको एक कस्टम शेप भी मिल जाता है, तो उसकी मदद से खुद आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो वो पोर्शन जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। डेस्कटॉप में आपने कुछ ऐसी फाइल रखी है जिसकी आपको बस एक झलक देखनी है, अगर आप लोग विंडोज प्लस कॉमा दबाओगे तो आप लोग अपने डेस्कटॉप में पीक कर सकते हो, जैसे आप लोग बटन दबाओगे तो आपका डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा, बट जैसे आप लोग बटन रिलीज करोगे तो जो आपका करंट सॉफ्टवेयर ओपन था या फिर करंट एप्लीकेशन ओपन था उसी में आप लोग वापस आ जाओगे। एंड इसी तरह की 10 और टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आप लोग इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।